हाय एवरीवन, तो यार आज हम लोग तीन बॉक्सेस खोलने वाले हैं जिसमें से दो बॉक्स मुझे गूगल ने दिए हैं और एक बॉक्स आप लोगों ने दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये मेरी ऑनबोर्डिंग किट है, इसको आने में इतना टाइम क्यों लग गया क्योंकि मैं फॉर्म भरना भूल गया था। एक फॉर्म भरना होता है जब हम लोग ऑनबोर्ड होते हैं, तो मुझे जब ध्यान आया तो मैंने वो फॉर्म भरा एंड फाइनली द किट इज हियर। तो अनबॉक्स करके देखते हैं। जो लैपटॉप है वो मैं पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ। इट इज़ दी 14-inch मैकबुक प्रो विथ एप्पल M1 प्रो चिपसेट, 16GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD, 8-कोर CPU, 14-कोर GPU, बिंदास परफॉर्मेंस। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। और सबसे बढ़िया चीज़, इसका जो चार्जर है ये मैग्नेटिक अडेप्टर, तो इस तरीके से आपका प्लग इन हो जाता है। एंड जस्ट इन केस आप जल्दी जल्दी में अपने टेबल से उठते हैं, आपकी लात इसमें लगती तो आपके लैपटॉप को लेके नहीं जाएगा, इसका ये डिटैच हो जाता है। ऑलराइट, तो एक एक करके हम लोग सारे बॉक्सेस को खोलते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि गूगल से हमें बहुत कुछ और भी मिल जाता है, जैसे कि आपकी LCD स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, आपका कॉर्पोरेट फोन, बट ये सारी चीज़ें आपको ऑर्डर करने पे मिलती हैं, ये ऑनबोर्डिंग किट के अंदर नहीं आती हैं। जो ऑनबोर्डिंग किट के अंदर मिलते हैं हम लोग वो अनबॉक्स करने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं ऑर्डर करा सकता हूँ, मैंने कराई नहीं है अभी तक क्योंकि मैं बैंगलोर शिफ्ट होने वाला हूँ जल्दी। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बॉक्स। बहुत छोटा सा बॉक्स है, बहुत हल्का सा बॉक्स है, लेकिन ये बाहर से आया है, इसको आने में बहुत टाइम लगा है, तो मुझे पता है इसके अंदर क्या है। तो लेट अस अनबॉक्स दिस। लुक एट दिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। Noogler hat, finally, मस्त लग रही है यार। So it is a Noogler hat और इसके अंदर काफी सारा डेकोरेशन का सामान भी हमें मिला है। नाइस यार, इसको देख के थोड़ी अलग ही खुशी होती है। मैंने ये हैट अभी तक LinkedIn की पोस्ट में देखी है, तो असली में पहली बार देख रहा हूँ, मजा आ गया। So it was the first box. बाकी के बॉक्सेस को भी खोलते हैं। सेकंड वाला बॉक्स अपना थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है। इट इज़ द एक्चुअल ऑनबोर्डिंग किट, इसके अंदर हमारा यूजफुल सामान निकलने वाला है। लेट अस सी क्या क्या है इसके अंदर। मेरे को एक बार क्यों लगा था कि यार ये बॉक्स नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत लेट हो गया था, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है। सो दिस इज़ द ऑनबोर्डिंग किट। किस साइड से खुलेगी ये? यस, टडा, वाओ। सो दीज आर स्टिकर्स, कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं इधर उधर लगाने के लिए, लैपटॉप पे लगा लेंगे हम ये। देर इज़ अ डायरी नोट्स बनाने के लिए, एंड देर इज अनदर डायरी, ओके, ग्रीन एंड रेड। मुझे लगता है क्रिटिकल नोट्स इसमें बनाने पड़ेंगे और अपने जो लाइट वाले नोट्स होते हैं वो हम इसमें बना सकते हैं। वैसे दोनों बिल्कुल सेम डायरीज हैं। यस, देन व्हाट एल्स वी हैव, ये तो एक खाली कंपार्टमेंट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। वेलकम टू गूगल वन बैंगलोर। नाइस, सो बेसिकली ओके, ये इसके अंदर होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग अपना फोटो वगैरह लगा सकते हैं इसके अंदर, और आई गेस ये इस तरीके से, नहीं यार ये आई गेस चिपकेगा कहीं ना कहीं, ये फ्रिज के ऊपर चिपकने वाली चीज़। ओह, इट इज़ मैग्नेटिक आई थिंक। लैपटॉप में लगा के देखते हैं, लैपटॉप की मैग्नेट पर लगा के देखते हैं। यहाँ भी नहीं चिपक रहा यार, ये कैसे चिपकेगा? ओके, ये हमारे नाइफ पे चिपक गया है, देखो। सो इट इज़ मैग्नेटिक, ये फ्रिज के ऊपर लगाने वाली चीज़ है। देन व्हाट एल्स वी हैव, वी हैव अ पेन, एक पेन है गूगल की तरफ से, देन अनदर पेन, और ये पेन तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, मलिया को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी सेम ही पेन मिला था। व्हाट एल्स, देयर इज अ मग, एक मग दिया गया है हमें, गूगल ब्रांडेड मग। फिर ये कुछ बैग्स वगैरह हैं, लेट अस सी, दिस इज द फर्स्ट बैग। सो एक काम करते हैं, इसको बॉक्स को थोड़ा साइड कर लेते हैं। सो ये दो बैग मिले हैं, पहले हम लोग इस वाले बैग को देखते हैं। सो इट इज जस्ट अ पाउच,
विथ 3 पॉकेट्स और सबसे बढ़िया चीज़ ये आप कलर स्कीम देख रहे हैं, रेड येलो एंड ब्लू जो गूगल के कलर्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको क्या बताऊँ कि गूगल में जब आप बिल्डिंग में एंटर करते हैं ना तो आपको हर जगह ये कलर कॉम्बिनेशन दिख जाते हैं एंड इनफैक्ट डिफरेंट फ्लोर्स पे जो डिफरेंट वॉशरूम्स हैं उनमें भी अलग अलग कलर्स किए गए हैं जो गूगल के कलर्स हैं उनके हिसाब से। सो इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। दिस इज़ अ गुड पाउच, ओ देयर इज अ बिगर पॉकेट एज़ वेल, नाइस। देन वी हैव अनदर बैग, ये थोड़ा सा बड़ा बैग है तो इसको खोल के देखते हैं। देयर इज अ बिगर पॉकेट और इस पॉकेट के अंदर लैपटॉप भी आ जाएगा, नाइस। देन देयर आर सम अदर पॉकेट्स, छोटे छोटे कुछ पॉकेट्स हैं, गुड। सो काफ़ी अच्छी यूटिलिटी हो जाएगी इन बैग्स की। तो इनको साइड करते हैं, लेट अस अनबॉक्स द मिस्ट्री जो कि आप लोगों ने मुझे दी हुई है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट जो कि मुझे मिला है अभी तक और इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये आपकी ही वजह से पॉसिबल हुआ है एंड ये आया YouTube की वजह से, लेकिन रीज़न आप लोग हैं। सो दिस इज़ द सिल्वर प्ले बटन जो हमारा 100 के क्रॉस होने पर हमें मिला था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय YouTube चैनल 2020 में, 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट होने से जस्ट 2-3 महीने पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया था और मैंने मम्मी से थोड़ा ज़िद करके एक पैड लिया था वेगम का, मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। सो आई स्टार्टेड टीचिंग विद दिस एंड धीरे धीरे करते करते आप लोगों का सपोर्ट मिला एंड हमने 2 चैनल भी बनाए, एक चैनल जहाँ पर हम लोग सिर्फ कोडिंग करवाते हैं और एक ये वाला चैनल जहाँ पर हम लोग जनरल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है जिससे आप लोग कोडिंग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। सो ये धीरे धीरे करके ही ग्रोथ हुई है एंड इसी को आगे ले करके जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे जिससे आप लोगों को कोडिंग करने में आसानी हो, आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से डर ना लगे, ठीक है। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो दिस इज़ दी सिल्वर प्ले बटन, इसको अनबॉक्स करते हैं। इसे खोल मैंने पहले ही लिया है क्योंकि जब ये आया था तो मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा एक्साइटेड थे तो मुझको खोलना पड़ा ये। सो यहाँ पर है हमारे पास एक लेटर सुजैन की तरफ से, इट सेज़ डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, योर 100 सब्सक्राइबर। मेरे को तो बहुत खुशी होती थी, आज जब 100 हुए थे ना मेरे सब्सक्राइबर, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम पर। एंड योर 1000 सब्सक्राइबर, सब याद है यार, सारी फीलिंग्स याद है, 100, 1000, 5000 सारे माइलस्टोन्स याद रहते हैं। एंड फाइनली 100 के, सो दिस इज़ दी सिल्वर प्ले बटन, काफ़ी चमकता हुआ सिल्वर प्ले बटन है और इसमें आप लोग अपना चेहरा भी देख सकते हैं। प्रेजेंटेड टू फराज फॉर पासिंग 100K सब्सक्राइबर्स, इसको हम दीवार पर लगाएंगे। बहुत ही जल्दी मैं बैंगलोर शिफ्ट होने वाला हूँ तो बैंगलोर जाकर के डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लाइव सेशंस भी करने हैं, रिकॉर्डेड भी करने हैं और ये सब हम लोग करेंगे अपनी दूसरे वाले चैनल पे, लीड कोडिंग बाय फराज। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एंड मेक श्योर टू चेकआउट leadcoding.in जो कि हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यार मेरा मानना यही है कि आप लोग तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो, तैयारी बिल्कुल अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि मौके हमारे पास आते रहते हैं और जैसे ही मौका आए वैसे ही निकाल दो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।